फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताऊंगी, मेरा कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी, मेरा कुछ स्टोरी है जो बहुत सैड है, मैं वो बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरा फर्स्ट IUI में कंसीव हुआ था, मतलब मैं 4-5 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही थी। उसके बाद मैं बहुत डॉक्टर दिखाने के बाद एक डॉक्टर ने मुझे IUI के लिए सजेस्ट किया, मैंने IUI किया, तो फर्स्ट IUI में मेरा कंसीव हुआ था। तो फिर मेरा जो प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा कुछ इंजेक्शंस मेडिसिन सब कुछ चल रहा था मेरा। फिर डॉक्टर ने मुझे सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट किया था, मैंने वो भी की थी, ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी हुआ था मेरा। तो फिर वो भी रिपोर्ट सब नॉर्मल ही था, सब कुछ था, बच्चा का मतलब बेबी का हार्ट बीट भी आ गया था। और फिर मैं इतनी खुश थी कि ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि इतना दिन के बाद अगर किसी का कंसीव होता है तो फिर जैसे भी था मैं खुशी थी। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, मेरा पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ, तो मुझे लगा कि प्रेगनेंसी में शायद मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, देन मुझे पता नहीं चला कि क्यों हुआ। तो मैंने जिससे भी पूछी सबको ही मुझे बोले कि प्रेगनेंसी में ऐसा थोड़ा बहुत होता है, तो मैंने सीरियस नहीं ली, थोड़ा 4-5 दिन थोड़ा हो गया, उसके बाद भी दर्द कम नहीं हुआ, मतलब इतना भी दर्द नहीं हो रहा था, लाइट दर्द होता हो रहा था, जैसे कि पूरा हल्का सा कुछ पेट में हो रहा था, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा था, क्रैम्पिंग थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो रहा था। तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन की कि सर मेरा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, एक बार सोनोग्राफी करवा लो। तो फिर उस टाइम मैंने गई, उस टाइम मेरा ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी हुआ, क्योंकि उस टाइम मेरा 3 मंथ कंप्लीट होके 4 मंथ चल रहा था। तो मुझे याद है मैं जब गई थी 3-3:30 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था, वहाँ पे गई थी तो अल्ट्रासाउंड करने के लिए गई। उसके बाद एक डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उनको पता नहीं क्या पता चला 15-20 मिनट के, उसके बाद भी उनको शायद कुछ पता नहीं चल पाया, तो फिर वो और एक डॉक्टर को बुलाए, दोनों डॉक्टर ने मिल के सोनोग्राफी मतलब ठीक से किए। तब तक भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर करने के बाद मुझे पूछे ये तुम्हारा फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मैंने बोली हाँ सर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, क्यों क्या हुआ, तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं बोली सर मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मतलब मेरा नॉर्मली कंसीव नहीं हुआ है, मेरा IUI में हुआ है और मैं 4 साल से इनफर्टिलिटी फेस कर रही हूँ, करने के बाद ये मेरा कंसीव हुआ है। तो फिर और मुझे बोला गया कि आपका बेबी का हार्ट बीट नहीं है। तो उसके बाद क्या मुझे फील हुआ और क्या मैं वो बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो भी है तो मैं इतना मतलब समझ में नहीं आया, मतलब क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। एक बार हार्ट बीट आया था और मैंने वो रिपोर्ट भी दिखाई कि सर मेरा तो पहले आया था ना, ऐसा कभी कभी होता है, आने के बाद भी हार्ट बीट चला जाता है और आपके साथ ऐसा ही हुआ है तो आपको इसको अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो फिर मैं पूरा और कुछ भी बोल भी नहीं पाई कि पूरा वहाँ से रो रो के बाहर आ गई, चिल्ला, मतलब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई, वहाँ पे आके बैठी 15 मिनट पूरा रो रो के। उसके बाद फिर घर आई, घर आने के बाद वो दिन बहुत पेनफुल था मेरे लिए। तो फिर डॉक्टर के पास गई रिपोर्ट लेके, वो डॉक्टर ने भी बोला कि और दूसरा कहीं पे सोनोग्राफी करने का कोई फ़ायदा नहीं था, ये तुमने जहाँ पे सोनोग्राफी किया है वो सबसे अच्छा जगह था और वो बहुत ट्राई किए हैं बच्चा का हार्ट बीट देखने के लिए, लेकिन हार्ट बीट विजिबल नहीं हो रहा है, ऐसा कभी कभी होता है, पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, तुमको अबॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं कुछ टेस्ट करूँगी जैसे कि पता चलेगा क्यों हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर मुझे वो एक टेस्ट दिए, फिर मुझे वो अबॉर्ट करना पड़ा जाके।
ऐसा भी होता है 2 महीना में हार्ट बीट आ जाता है बेबी का, उसके बाद फिर अचानक से क्या होता है 8 वीक से लेके 12 वीक के अंदर किसी किसी बेबी का हार्ट बीट चला जाता है। मेरा उस टाइम 13 वीक हो गया था, लेकिन बेबी का हार्ट बीट 8 वीक 4-5 दिन में चला गया था। उसके बाद से वो ग्रो नहीं हो रहा था, मतलब ग्रो नहीं हो रहा था अंदर में। मुझे लग रहा था मेरा 4 महीना हो गया है, लेकिन मेरा 4 महीना नहीं हुआ था, मेरा 2-2.5 महीना में ही अबॉर्ट हो गया था उसे। तो फिर मुझे अबॉर्ट करना पड़ा। और मैं भगवान से प्रे करूंगी ऐसा किसी के साथ भी ना हो। ये बहुत पेनफुल होता है अगर किसी का कंसीव नहीं हो रहा है, वो इनफर्टिलिटी फेस कर रहा है, उसके बाद कंसीव होता है, तो फिर ये सब होता है उसके साथ, तो ये बहुत पेनफुल है।